बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों शबे बरात एक ऐसी अजीम मुकद्दस और पाक रात है, इसके अंदर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी हसूसी नेमतों से नवाजता है। दोस्तों इस रात में हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी महलूक में रिजक को तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजर्द होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाकयात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। दोस्तों हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो शुबान की 15वीं रात को, इसलिए कि ये रात एक मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि है कोई ऐसा जो मुझसे अपनी बख्शिश को तलब करे और मैं उसको बख्श दूं, और मुझसे तंदुरुस्ती मांगे तो मैं उसको तंदुरुस्ती अता करूं। चुनाचा सुबह तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हत्ता के चाहे फजर हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शुबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि निसफ शुबान की रात सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और बस चार लोगों को छोड़कर तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं। उन चार लोगों में से सबसे पहले नंबर पर वो है जो कि मुशरिक हो, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक ठहराता हो, यानी वो शख्स जो शिरक करता हो। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो दूसरे लोगों के लिए अपने दिल में कीना रखते हो, और तीसरे वो लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से किताए ताल्लुक रखते हो, और आखिर में चौथे नंबर पर वो जो बदकार औरत है और उसके साथ मुसलसल शराब पीने वाला। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी भी इन लोगों की बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि ये अपने सच्चे दिल से तौबा कर लें और आइंदा ये काम को ना करें तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी माफ कर देता है, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। बस अगर तुम्हारे दिल में ये भी ख्याल आ जाए कि मैंने बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं तो तुम फिर भी तौबा कर लो, पाक है वो जात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी। बस कभी भी अपने रब की तरफ रजू करने में देर ना करो। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये इरशाद फरमाया, ऐ आयशा तुम नहीं जानती आज ये शब शुबान की शब है, ये एक रात हजार रातों से अफजल है। जब अल्लाह ताला अपने महलूक के बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं, वो उन सबको दोजख से आजाद करवा देते हैं। वो इन छह लोगों में से जिन में से नंबर एक पर वो है जो शराब का आदी है, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा किताए ताल्लुक रखने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। दोस्तों एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी के करीब से गुजर रहे थे, आपकी नजर एक अजीबोगरीब झोंपड़ी पर पड़ी, आप रुक कर उस झोंपड़ी को हैरत से देखने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईसा मैं इससे भी अजीब चीज तुम पर जाहिर ना कर दूं। हजरत ईसा ने अर्ज किया, जी हाँ क्यों नहीं। नाचे उसी वक्त उस झोंपड़ी में से एक बुजुर्ग अपने हाथ में असा लेकर बाहर निकला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया 400 बरस से इबादत कर रहा हूँ। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में ये अर्ज की, ऐ अल्लाह तेरे इस मौजजे को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादतगार बंदा कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ऐ ईसा मेरे महबूब के उम्मती शुबान की आधी रात को दो नवाफिल अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से भी ज्यादा अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास शुबान की रात को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यूँ, इस रात में ऐसा क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये अर्ज करने लगे, ये वो रात है जिस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और अल्लाह ताला हर उस शख्स को माफ कर देता है सिवाय उसके जिसने इसके साथ शिरक किया हो, बशर्ते के वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो और शराब का आदि बिल्कुल भी ना हो। इन लोगों की बख्शिश अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं फरमाते जब तक वो अपने सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। दोस्तों शुबान की 15वीं रात के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, ऐ आयशा क्या ये तुम जानती हो कि इस रात में आखिर क्या होता है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप बताइए इस रात आखिर क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल में पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा उस शख्स का पैदा होना और मरना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कौमों पर मुकर्रर हैं उनको इस अमल की इतला दी जाती है, और जितना भी रिजक इस बरस में महलूक को दिया जाएगा वो भी लिख दिया जाता है। इस 15वीं रात का दिन डूबते ही दुनिया के जो ऊपर वाला आसमान है अल्लाह ताला उस पर तशरीफ ले आते हैं और ये फरमाते हैं कि है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, चाहे वो रिस्क चाहता हो या मुसीबत का मारा हो, वो दुआ करेगा तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी दिन अगले दिन का सूरज तुलू होने से पहले अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते रहते हैं, बस बंदे को ये चाहिए कि इस दिन का रोजा रखे और अल्लाह ताला की बस इबादत करता रहे। अल्लाह ताला इस रात की मदद से अपने बंदों की बेशुमार मगफरत फरमाता है, मगर काफिर मुशरिक और कीना रखने वाला जिसने किसी का बेफजूल कत्ल किया हो उसको नहीं बख्शता। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बिस्तर पर ना पाया तो मैं बहुत परेशान होगी और आपकी तलाश के लिए घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप पक्की के कब्रिस्तान में मौजूद है और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह
तआला आसमान पर तशरीफ फरमाते हैं और इंसानों को दोजख से आजाद करते हैं। फिर फरमाया, आज की रात की इबादत की क्या तुम मुझे इजाजत देती हो? हजरत आयशा ने अर्ज किया, जी जरूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और आपने क़यामे तफ़कीफ की, सूरत फातिहा और एक छोटी सी आयात पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आप पूरी रात ऐसे ही सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकत अदा की, इसमें भी पहली रकत की तरह कराक फरमाई और एक छोटी सी सूरत पढ़ी, फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा आपका सुबह तक जारी रहा। हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखती रही। जब आपको सजदे में ज्यादा देर हो गई तो मुझे ये अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह को कब्ज तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतजार खत्म हो गया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गई और आप सल्लम के तलवे को चूमा तो फिर जाकर आपने हरकत फरमाई। मैंने खुद ये सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अजाब, तेरी अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी पनाह में आता हूँ, तुझसे ही पनाह चाहता हूँ, तेरी जात बुजुर्गों बरहत है, मैं तेरी शानो शान जाहिर नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही अपनी सराह बयान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैंने सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया कि आप सजदे में ऐसे कलमात दोहरा रहे थे कि वैसे कलमात आपको अदा करते हुए पहले कभी नहीं सुना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने भी कलमात अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अर्ज किया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कलमात मुझे सजदे में अदा करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आप सभी को भी आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इन बातों का उनको भी इल्म हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।